नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर न्यूज 24/7। न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुंगावली मध्य प्रदेश में जय किसान ऋण माफी योजना का द्वितीय चरण हुआ पूरा। कांग्रेस के मंच पर हुआ भाजपा और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का किसानों के ऋण माफी में देरी में आपसी मतभेद। जनपद उपाध्यक्ष ने कहा, बैंकों से 54,000 किसान ऐसे हैं जिन्होंने कर्ज लिया है, जबकि 1500 किसानों का कर्ज माफ होने जा रहा है। आज उपाध्यक्ष ने विधायक से कहा कि किसानों के ऋण माफी योजना को और स्पीड से बढ़ाएं, और अभी मुंगावली क्षेत्र के बहुत से किसान बाकी हैं। शासन किसी भी पार्टी का हो, हर शासन का मकसद होता है कि किसानों का विकास हो, हर क्षेत्र का विकास हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किसानों के लिए किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपए जमा करने का काम किया है। बैंकों से 54,000 किसान ऐसे हैं जिन्होंने ऋण लिया है और 1500 किसानों का ऋण माफ होने जा रहा है। यार, मैं सम्मानीय विधायक जी से कहना चाहूंगा कि ऋण माफी की और स्पीड बढ़वाएं सरकार से। अभी बहुत किसान हमारे मुंगावली क्षेत्र के बाकी है, और शासन किसी भी पार्टी की हो, हर शासन का मकसद होता है किसान का विकास हो, इस क्षेत्र का, हर क्षेत्र का विकास हो। साथियों, हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपए किसानों के खाते में जमा करने का काम किया। एक बात बताइए, सरकार भले कोई भी हो, अगर केंद्र में सरकार बैठी है तो क्या मध्य प्रदेश के किसानों ने केंद्र सरकार को वोट नहीं दिया? यहाँ के 28 सांसद हैं, केवल एक सांसद जीत पाया था कांग्रेस का, बाकी 28 सांसद केंद्र मध्य प्रदेश के हैं, तो इनका भी तो फर्ज बनता है। अभी लोकसभा में, अभी आपने लोकसभा में देखा होगा, जब से लोकसभा चल रही है, जब से केंद्र की सरकार बनी है, 28 सांसदों में से किसी एक सांसद ने मुद्दा उठाया क्या कि मध्य प्रदेश में किसानों के ऊपर कितनी बड़ी विपत्ति आई, अतिवृष्टि हुई, बाढ़ आई, कितना नुकसान हुआ किसानों का? लेकिन एक भी सांसद ने बात नहीं उठाई। धनपाल सिंह जी, मैं बुराई नहीं कर रहा, क्योंकि जनता ने हमको जनप्रतिनिधि बनाया, जनता ने हमको चुनाया। अगर जनता ने हमको चुना है, अगर जो जनता हमसे कहेगी, हम वो ही जनता का काम करेंगे। हमारा काम है जनता की सेवा करना, हमारा काम है कि जनता के दुख दर्द में शामिल होना। जहां जनता की बात आती है, किसान की बात आती है, तो वहां हमको बिल्कुल लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। भले ही हमारी सरकार है, हम तो अपनी सरकार से भी, माननीय कमलनाथ जी से भी कहते हैं कि हमने जो जनता से वादा किया है, हमको उसको जल्दी से जल्दी पूरा करना है। लेकिन उसका खामियाजा हमने उठाया। अगर हम उसी टाइम 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ कर देते, तो आज हो सकता 28 सांसद ना होते भाजपा। आज जो जय किसान ऋण माफ योजना के अंतर्गत हमारे मुंगावली तहसील की लगभग 1500 किसानों का 10 करोड़ रुपए का कर्जा माफ, जो हमने दूसरे चरण में लिया है। पहले चरण में 50,000 रुपए तक का कर्जा माफ किया था हमने, अब दूसरा चरण हमारा आज से प्रारंभ हो गया पूरे मध्य प्रदेश में, जो हम 1 लाख रुपए तक का किसानों का कर्ज माफ कर रहे हैं, और आने वाले समय में कुछ दिनों के बाद हम जल्दी से जल्दी 2 लाख रुपए तक का किसान का कर्ज। द्वितीय चरण का आज कैंप था, प्रथम कैंप था हमारे जिले के लिए। पिछले प्रथम चरण में हमारे 54,000 किसान भाइयों को लाभ मिला था, और लगभग राशि 52 करोड़ की थी। इस बार द्वितीय चरण में हमारे 7,200 किसान लाभान्वित होंगे पीए और एमपी अकाउंट में, और इसमें हमारी आज के मुंगावली के लिए हमारी 10 करोड़ की राशि जो इन लोगों को कर्ज माफी पीए और एनपीए दोनों अकाउंट में। We'll be right back.